गुड मॉर्निंग क्लास हव आई यू ऑल आई होप ऑल आर गुड आई एम वसीम योर एसोस टीचर फ्रॉम स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल सो स्टूडेंट्स एज यू नो आई हैव हैलरेडी स्टार्ट चैप्टर चैप्टर थर्ड नाजी एंडर आइज ऑफ हिटलर ओके इस चैप्टर में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जर्मनी के बारे में बताया बर्थ ऑफ द विमान रिपब्लिक उसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं और इसमें हमने ये भी एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से जो बर्थ ऑफ़ बीमार था तो उसके बारे में कंडीशन बताई थी प्लस उसके साथ साथ तो वहाँ पे क्या असर पड़ा था ये हमने एक्सप्लेन किया था कि जब जर्मनी में जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज़ हुई थी तो वर्साइलीज़ में किस तरीके से जर्मनी को एक इंसल्ट का सामना करना पड़ा था जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ी थी और हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके थे कि जो जर्मनी की बहुत सारे ऐसे रियाज थे जो जर्मनी हार चुके थे इसको पेज नंबर आप फिफ्टी वन पर देखिएगा जो लाइक रेडिश कलर है लैंड टेकन फ्रॉम जर्मनी इसको देखिएगा नाइनटीन फोर्टीन में जो जर्मनी से ले लिए गए थे कुछ ठीक है ना इसको आप देखिएगा कलर को मैं दिखाऊंगा आपको ले लिया गया था तो जर्मनी को बहुत बुरी ट्रीटी का सामना करना पड़ा था जिसकी वजह से सब लोग जो थे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे थे अब एक तरीके से बर्थ ऑफ व्यमार तो हो चुका था व्यमार जो हमने बताया था जया का नाम है वहाँ पे ही व्यमार रिपब्लिक बना दिया गया था लोगों के एक तरीके से डेमोक्रेटिक बना दिया गया था लेकिन लोग जो थे नाराज़ थे बहुत सारे लोग नाराज़ थे और फिर प्लस उसके साथ जर्मनी को क्या करना पड़ा था कि उसको बहुत सारा कंपनसेशन देना पड़ा था ये हम चीज डिस्कशन कर चुके हैं एक तरीके से मान जो बर्थ ऑफ व्यामार बनाया गया था व्यमार रिपब्लिक के नाम से जाना जाता था तो लेकिन वहाँ के लोग भी उससे नाराज़ थे वो जर्मनी के अंदर बंद तो गया था लेकिन लोग उससे नाराज़ थे और बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि वो समझते थे कि जो ट्रीटी ऑफ वरसाइलीज हुई है ट्रीटी ऑफ वर्साइलीस राइट ये जो थी जर्मनी के लिए डिसग्रेस है लोग सपोर्ट भी नहीं करते तो हमने बताया था द इफेक्ट ऑफ ये हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं ठीक है ना इसमें क्या बताया था इसमें भी ऑलरेडी बता चुके थे इससे लोग जो थे साइकोलॉजिकली फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे इसमें तो बर्थ बीमार जो था एक तरीके से ये उनके लिए क्या होता है अनफॉर्चुनेटली मानते थे कि दुर्भाग्य हो गया कि हमारा बना है लेकिन उसको आ, सही तरीके से नहीं हो पा रहा मतलब तो जब बर्थ बीमार हो गया तो जर्मनी के लोग जो थे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थोड़ा ज़्यादा तो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और अच्छे तरीके से उसको नहीं कर रहे थे एक तरीके से कि इंसल्ट ही हो रही थी उन लोगों की तो ऑलरेडी हमने बताया था क्योंकि ये ट्रीटी हुई थी नवंबर में तो इसको नवंबर क्रिमिनल्स भी बोला गया था जो बर्थ ऑफ व्यमार के जो सपोर्टर थे जो बर्थ ऑफ व्यमार को सपोर्ट कर रहे थे ना उन लोगों की तो इंसल्ट बहुत ही हो रही थी जर्मनी में एक तरीके से इसलिए हिटलर जो था बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में था इन सब चीज़ों के लेकर तो नवंबर रिपब्लिक क्योंकि नवंबर में हुई थी तो इसलिए नवंबर क्रिमिनल्स कहलाते थे उनका मजाक बनाया जाता था ये भी हम लेडी एक्सप्ल कर चुके थे अब यहाँ पर आता है कि द माइंड सेट हैड अ मेजर इंपैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द थर्टीज एज वी सी सोन सी इसको भी हम चेक करेंगे तो ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड अ पॉलिटी ये देख सकते हैं यूरोपियन सोसाइटी का भी इसका असर बहुत बुरा पुराना सोल्जर्स केम टू बी प्लेस ए अबाउ सिविलियन हाँ तो सोल्जर्स को तो साहर सी बात है हम ऊपर ही ले आते हैं सिविलियन से उनसे ऊपर ही समझा जाता है सिविलियन जो देश के नागरिक होते हैं पोलिटिशियंस एंड लेट ग्रेट स्टेस ऑन द नीड ऑफ़ द फॉर मैन टू बी एग्रेसिव स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी होते थे लोग पॉलिटिशियंस जो थे ये सब बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रेस में रहते थे बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे अग्रेसिव गुस्सा हो जाते थे बहुत स्ट्रॉन्ग एक तरीके से द मीडिया ग्लोरीफाइड टेंच लाइफ अब हम देख सकते हैं ये ट्रेंच लाइफ ऑलरेडी हम जैसे रशिया में बताया था कि जितने भी सोल्जर्स होते, होते हैं वो तो ट्रेंच की लाइफ में एक तरीके से सेटल होते थे लड़ाई लड़ते थे वो इसी तरीके से करते थे अपने आप को कि द ट्रूथ हाउ एवर वॉज द सोल्जरबल इन दीज ट्रेंच ट्रेप विद रेड्स फीडिंग ऑन कॉसिस तो यहाँ पर देखेंगे कि जो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे ट्रेंच वाले एरियाज बना दिए जाते थे जिसमें यहाँ पर सोल्जर्स रहा करते थे ठीक है ना वो अपनी लाइफ को गुजारते थे और यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता था कि जिस तरीके से कोई अगर एनिमी होगा तो उनके ऊपर अटैक कर दिया जाएगा तो ट्रेंच की लाइफ देखा जाता है, है, है सोल्जर से उनकी लाइफ इस तरीके से गुजरती थी तो ये ट्रेंच में वो जैसा बता दें बहुत बड़े गहरे खड्डे टाइप के होते फिट के फिट के होते थे इसमें उनको अपनी लाइफ को गुजारना पड़ता था समझ में आ रहा है ना बच्चों तो ये चीज़ उन लोगों की लाइफ थी तो ज़्यादातर किसको समझ जाता था सोल्जर थे उनकी वैल्यू ज़्यादा थी लेकिन फिर क्या था कि दि फेस्ट पॉइजनस गैस एंड एनीमी शेलिंग शेलिंग वही चीज़ आती है कि अगर जैसे हमने टेंच अभी बनाई थी तो उसमें जैसे कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो उन्होंने कुछ ऐसे पोल खड़े कर दिए थे और यहाँ पर कुछ तार बन दिए थे तो क्योंकि अगर ये टेंच के अंदर लोग हैं यहाँ पर अगर ये लोग आ गए तो इनको पता चल जाता था कि यहाँ पर आने के बाद इनको गोली मार दिया करते थे एक तरीके से ये लाइफ जो थी बहुत ज़्यादा खतरनाक थी ठीक है ना तो अब किस जो सोल्जर्स थे उनको ट्रेंच में रहना पड़ता था और उनकी लाइफ जो थी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी एक तरीके से तो क्या होता था उनको हर चीज़ का शीलिंग का भी सामना करना पड़ता था एंड विटनेस दे आर रेंक रिड्यूस रेपिडली एक तरीके से उनकी रैंक भी कम होती जा रही थी एग्रेसिव प्रोप वॉर प्रोपोगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंटा स्टेजन द पब्लिक स्फेयर वाइल्ड पॉपुलर सपोर्ट गिरी फॉर कंजरवेटिव डिकटेटरशिप हैड रिस केम इन टू बीग तो यही चीज कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा प्रोपोगंडा भी होता था एक देश की सम्मान की बात भी की जाती है सब कुछ की जाती थी लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा के तरीके से ना कंजरवेटिव के नीचे जैसे डिक्टेटरशिप आ रही है इस तरीके से होने लगी थी रिजल्ट क्या था कि डेमोक्रेसी वॉज इंडीड अंग एंड फ्रेजाइल आइडिया विच कोड नॉट सर्वाइव द इनस्टेबिलिटीज ऑफ इंटर तो ये देखा जाए डेमोक्रेसी बना तो एक नया आइडिया था फ्रेजाइल था बहुत ज़्यादा यंग भी था लेकिन सही तरीके से कैसे सर्वाइव नहीं कर पा रहा था वीमार रिपब्लिक क्या था एक डेमोक्रेटिक बनाया गया था लेकिन सही तरीके से नहीं चल पा रहा था समझ आया ना अब हम देखेंगे समझ लिए कि जो ट्रेटी ऑफ वरसाइली हुई थी तो जर्मनी के लोगों को इतना बुरा लग रहा था कि ये हमारे साथ बहुत सारी हमारी इंसल्ट हो रही है हमारी जर्मनी की तो जर्मनी में जो बीमार बनाया गया था ना तो वो एक तरीके से लोगों के इंसल्ट होती थी लोग बहुत सारा परेशान होते चले जाते थे और जो सपोर्टर थे वीमार रिपब्लिक तो उनको नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता था, था कि ये हमारे देश को बर्बाद कर देंगे एक तरीके से उनके खिलाफ खड़े हो जाते थे तो समझ में आ रहा है बच्चों ये चीज़ हमने यहाँ पर एक्सप्लेन की थी और डेमोक्रेसी आ तो गई थी लेकिन लोग उसको नहीं वैल्यू दे रहे थे अब आता हम बात करते हैं पॉलिटिशियन रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस रेडिकलिज्म क्या है इसको हम देखेंगे द बर्थ ऑफ द ऑफ द वीमार रिपब्लिक Coincide with the revolutionary uprising of the Spartacist League on the pattern of the Bolshevik Revolution in Russia. ये आपने पढ़ा था बॉल्शविक के बारे में राइट right? तो बर्थ ऑफ रेमाल बन गया था लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे तो बहुत सारे रिवोल्यूशनरी वही किराए तीन किरानी शुरू हो गई इसमें एक स्पार्टियस्ट एक लीग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो किस पे थी बॉल्शविक पर थी रशिया में जो बॉल्शविक पार्टी बनाई गई थी उस पर थी सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वर इस्टिश ठीक है ना तो ये हम ऑलरेडी देख देख चुके हैं कि किस तरीके से सोवियत बनाया गया था अब हम यहाँ पे देखेंगे और भी था कि इसमें बहुत सारी सिटीज़ में स्पार्टियस बनाई गई थी ठीक है ना इसको अब देख लीजिएगा तो यहाँ पर यह बनाया गया है द पोलिटिकल एटमोसफियर इन बर्लिन वॉज चेंज विद द डिमांड फॉर द सोवियत स्टाइल गवर्नेंस तो सोवियत का स्टाइल को देख के सब बर्लिन में सब चीज़ें एटमोस जो था वो चेंज हो चुका था द अपोज ऑफ दिस सच एज द सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स एंड कैथोलिक्स मेट इन वे टू गिव शेफ्ट टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अब एक तरीके से हम देख सकते हैं जो डेमोक्रेट्स है कैथोलिक्स थे ठीक है ना इन सब के अकॉर्डिंग सब का विरोध किया जा रहा था सोशलिस्ट का ठीक है रिजल्ट क्या था इसके बारे में हम देखेंगे कि इसमें और क्या बताया गया दीमार रिपब्लिक क्रश द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ द वॉर वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन कॉल फ्री कॉर्प एक तरीके से जो वीमार रिपब्लिक था उसको भी ख़त्म कर दिया गया ठीक है ना जो बढ़ रहे थे लोग वेमार रिपब्लिक के उसको भी ख़त्म व्यमार रिपब्लिक को भी कर दिया गया लोगों को कुचलना शुरू कर दिया और उसको ही क्या बोला गया फ्री कॉर्प्स के नाम से उसको नाम दिया गया राइट सो आई होप एवरी इज क्लियर टू ऑल द इंगार्टियस्ट लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी अब जो स्पार्टियस्ट थे इन लोगों ने एक पार्टी फाइंड करी तो वे व्यमार रिपब्लिक तो कहानी ख़त्म होने लगी अब कम्युनिस्ट पार्टी बनी जर्मनी के अंदर कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट हैं बिकेम इनकनसाइबल एनिमीज़ एंड कुड नॉट मेक कॉमन कॉज अगेंस्ट हिटलर बोथ रिवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट का क्रेवड फॉर रेडिकल सोल्यूशन बस ये था कम्युनिस्ट भी थे सोशलिस्ट भी थे क्या हुआ कि एक तरीके से दुश्मन बन गए किसके मतलब हिटलर के अगेंस्ट में भी आने लगे लेकिन इस तरीके से कोई चीज़ नहीं चल पा रही थी रिवोलूशनरीज थी सब कुछ था लेकिन सही तरीके से नहीं चल पा रही थी अब देखते हैं क्या लोग चेंजेस चाहते थे बदलाव चाहते थे क्या आएँगे बदलाव ये नहीं मालूम इसके बारे में हम देखेंगे और क्या क्या हुआ Okay, we will discuss on Zoom. Okay, thank you so much. Goodbye, take care.